लड़ते हैं, पानी जारी करते हैं। तो मैं अपने सारे लोगों से यह चीज कहना चाहता हूं, अब जितनी मेरी जिंदगी बची है वो मैं पूरी अपनी जिंदगी आज से ही मैं कसम खाता हूं, पिछड़े वर्ष चाहे भीम बाबा अम्बेडकर जी के आदेश। इसीलिए आप जो सख्त होंगे, पीतम लोधी को जो आज्ञा दोगे, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कभी बीच में नहीं मिल जाऊंगा, आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन करूं। दोस्तों आपकी आज्ञा के ही सेवा को स्वीकार नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है। अब मैंने फैसला लिया है, अब से सेवा में गरीबों की करूंगा। हमारे बेचारे गरीब जाटो समाज, जाटो वीर, हमारे ओबीसी के ऐसे लोगों की अगर मैं सेवा करता तो आज मुझे ये लोग जाने। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज ने युगों युगों से हमारे बुजुर्गों ने हमने कितना सम्मान दिया, उनको हम अच्छे, हमारी महिलाएं घर पर जब आती बहरी होकर सुन रही थी, कोई उन्हें न तो स्टेप लिया न ही सुरक्षा का मेरा साधन किया ताकि पीतम लोधी मर जाए। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे पीतम लोधी का गरीबों के लिए, ओबीसी के लिए, चाटे पीत के लिए, अगर मेरा, लेकिन ये पढ़े लिखे ज्ञानी लोग मंच सर उस गद्दी पर ब्याज की गद्दी से ऐसी बातें करते हैं युद्ध जैसी, मेरे भाइयों ये सही है कि गलत है? और उसने यहां तक कहा ऐसे विद्वान लोग, मैं तो चला कम पढ़ा लिखा हूं, इनाम दे दी। मैंने बड़ा सदैव शब्द बोला और सही बोला था, आप लोग मुझे बताएं मैंने गलत बोला था क्या? और मेरे भाइयों, एक धीरेन्द्र जी शास्त्री है, उन्होंने मंच से कहा कि पीतम लोधी को पसंद देंगे, तो क्या पीतम लोधी का कोई मूंगफली है क्या? भाइयों, आप लोगों से कोई चीज छुपी तो है नहीं है, पूरे देश से नहीं छुपी है कोई चीज। मेरे पर आप सबको पता था कि यहां पर सच बोल और बाबूजी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, हम उस वर्ग से आते हैं, हम उस जाति से आते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बाथरूम में से होकर के ले जाए, बाथरूम में से होकर ले जाए, पूरे दिवाली से निवेदन है। अरे वो तो करती हो तो चली जाए, भिजो के ना भिजो। आदरणीय गिरिराज सिंह जी, दुलारा जी, दो शब्द बोले, धन्यवाद।
साथियों, आज हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये बात जो पीतल भैया ने बोली, इस बात की लड़ाई हम बहुत पहले से लड़ रहे थे और ओबीसी महासभा इसके साथ खड़ा है और हमें लड़ाई लड़ेंगे। जो पीतल भैया ने जो बात कही है ये हर एक के जहन में थी, केवल उन्होंने ये बात बोल दी है और आज ये जितना हुकूम है, जितनी भीड़ है, ये बता रही है कि ये भीड़ पूरी पीतल भैया के साथ है। जय जवान, जय ओबीसी, जय संविधान। धन्यवाद। हमारे बीच कवि शिवम, शिवम सभी से अनुरोध है कि यहीं पर उनका इंतजार करें। माता जी, माता जी, सभी बंधुओं से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें, क्योंकि पीतम भैया आ चुके हैं जो आप सबका अभिवादन करेंगे। अगर आज हम सभी लोग अगर खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं, अगर हम सभी लोग आजादी से जी रहे हैं, तो याद रखिएगा इन लोगों के बदौलत नहीं, केवल और केवल बाबा भीमराव अंबेडकर के बदौलत। और सभी लोगों से निवेदन है कि शांति बनाए रखेंगे और मौका आने पर हम इन लोगों को क्षति का दौर भी याद दिलाने का काम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से निवेदन, पानी के चट्टे बट्टे चिंता मत करो, ये सब बहुत जल्दी निबटने वाले हैं। मेरे भाइयों, मैं आज आप लोग आए हैं, हमें प्रशासन को एक ही बात कहनी है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो मंच पर बैठकर गद्दी पर बैठकर ये हत्या की बात करी है, हम सारे लोगों का आज ज्ञापन देकर हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि उस पर केस लगाया जाए।